नमस्कार मेरे दोस्तों, सजनों, मित्रों, भाइयों, बहनों और भाभियों। रेना, यहाँ से निकल जाओ। आज हम लोटस का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि राइट ने नए चेंजेस निकाले हैं लोटस में, ए बी और सी में। लोटस इज द मैप ऑफ द वैलोरेंट, नॉट द कमल दैट आई एम रेफरिंग टू। तो हम सबसे पहले चेंजेस देखेंगे ए की तरफ में। तो पहले ए ऐसे दिखता था, थोड़ा सा स्लैंटी 45 डिग्री टाइप का, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा नैरो था, विच या लेकिन नए चेंजेस के बाद ये पूरा एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का हो गया। ये मतलब एक टाइप ऑफ कबी, बहुत बड़ा कबी बन गया ये, जिस पे दो बक्से ऐड किए गए हैं। ये वाला ऑफ एंगल खेलने के लिए सही होगा, और एक बंदा यहाँ पीछे चुप भी सकता है। तो ये है कि डिफेंडर्स के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया पुश करने के लिए। वो यहाँ डिफेंडर्स अगर पुश करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे स्पेस लेगा वो, मे बी ऑफ एंगल, मे बी यहाँ, मे बी यहाँ, मे बी अगर रेज हुआ तो ऐसे करके हे जस्ट कम दी पार्टी कर सकता है। बट ये कम से पार्टी वाला चीज़ तो नहीं होगा, क्योंकि अपेरेंटली जब रेज यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से जब सैचल करके रन करेगा, अटैकर्स शायद यहाँ तक पुश कर देंगे। तो यहाँ पे 50-50 फाइट हो सकता है। ये मे बी कोई वो डबल क्रॉस कर सकता है, हु नोस। बट ओवरऑल डिफेंडर्स के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ बन गया ये। और अगर लेट्स से अगर कोई फाइट हो रहा हो, अगर आपको बचना हो, तो आप यहाँ पे फॉरबैक करके यहाँ छुप सकते हैं। फाइट आपको तब भी कमिट करना होगा, बट आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रीलोड वगैरह के लिए। मे बी अगर ये टूटा हुआ है दरवाज़ा, तो यहाँ से निकल भी सकते हो मोर इजीली। इस आई वुड से सम काइंड ऑफ सेफ हेवन, सुरक्षित जगह। हमारे सेकंड चेंजेस है आपका हॉबिट। हॉबिट पहले ऐसे दिखता था, व्हिच ऑफ कोर्स यू कैन सी, एक ये दीवार बीच में ये दरवाज़ा, सॉरी। तो अब हॉबिट के आपका नए चेंजेस ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे हल्का सा स्पेसिंग बढ़ा दे, जस्ट लाइक अ रेनोवेशन जब आप अपने घर पे कराते हो, तो ये हल्का सा बढ़वा दिया। इस लाइक बालकनी तोड़ के एक अलग सा रूम बना दिया। तो होता क्या है, यहाँ पे दो डिफेंडर्स होंगे। वैसे टेक्निकली नहीं होना चाहिए, बट लेट्स से यहाँ पे दो डिफेंडर्स है, 50-50 एंगल होल्ड कर रहे हैं। इस चीज़ को एक ही चीज़ डिस्टर्ब कर सकता है, शोवा का शॉक डार्ट आई गेस, आई डोंट नो उसका एरिया कितना है। वाइपर का मॉली, ब्रिम का मॉली शायद इस पर ज़्यादा काम नहीं करता। रेस का नेट पक्का इस पर काम आएगा। यहाँ पे नेट डालो और एक मिनट, यहाँ पे नेट डालो या इसका डिस्टर्ब करो, इसको डिस्टर्ब करो, तो ये हो सकता है। बट अगर कोई साइफर खेल रहा हो तो रेस का नेट तो लगाना ही पड़ेगा। कि मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि ये 15 मीटर से कम है ये। आप 15 मीटर का कम मतलब ये ऐसे लगा रहेगा, और हमारे साइफर के नए बफ के अकॉर्डिंग मैं तुक, 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 तुक होता रहेगा जब तक कोई इसको तोड़े ना। और इतने देर में मैं अपना केज खोल के यहाँ इसको मार दूंगा मैं। बट इसके गारंटी बहुत कम है ये, क्योंकि कोई ये रोटेशन पे ही काम आ सकता है। अगर एनिमी टीम रोटेट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, मिड पे अच्छा खासा फाइट लेने के बाद, लेट्स से अटैकर्स ने अपने मिड ले लिया, सॉरी मिड मतलब ए का मिडल पार्ट, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय ए का मिडल पार्ट इस ये वाला हिस्सा, ये आपका सेकंड सेक्शन है, ये आपका फर्स्ट सेक्शन, ये आपका थर्ड सेक्शन है ए मेन का। तो अगर अटैकर्स ने ये वाला ले लिया ना, और लेट्स से इसके आगे नहीं जा पाए थर्ड सेक्शन के, तो ये लोग सेकंड से यहाँ से अटैक करेंगे। और अगर यहाँ पे साइफर का ट्रिप है, टुक 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 डेड। बट लेट्स सी ये कितना वायबल है ये। हमारा अगला चेंजेस है आपका ए साइट पहले ऐसे दिखता था, अब ऐसे दिखता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो आपका रास्ता था बंद हो गया, उस साइड भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेम होगा। और यहाँ पे पीछे एक खोपचा बना दिया। तो खोपचा क्या कर सकता है, खोपचा
आई डोंट नो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बट मेरे हिसाब से ना ये रीटेक में काम आ सकता है. ये आपका आइडल प्लांट डिफॉल्ट प्लांट नहीं होगा क्योंकि ये पीछे की तरफ है, अटैकर्स यहाँ से आएंगे यहाँ से आएंगे. अगर वेरी स्मॉल चांसेस अगर अटैकर्स अगर स्पॉन्स से जा रहे हो तो ऐसे करके प्लांट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट योर डिफॉल्ट प्लांट. दिस इज समथिंग फॉर आई वुड से पोजिशन फॉर रीटेक. आई एम लुकिंग एज अ रीटेक सिम्युलेटर एंटिटी, बट आई नॉट श्योर, क्योंकि मैं एक दो और वीडियोज देख रहा था एनालिसिस के हिसाब से कि जो बंदा पुश करेगा यहां से तो बेसिकली ये थ्री वे रिंगा रोजेस नहीं होगा, अब सब टू वे रिंगा रोजेस होगा. बेसिकली मान लो ये आपका स्प्लिट बी का जो मिड का जो पिलर है उस टाइप का कुछ एक्ट करेगा, ये बस बीच में खोपचा ऐड कर दिया. आई एम लुकिंग एज अ रीटेक काइंड ऑफ थिंग, बट लेट्स सी. बी भी चेंज हुआ है ऑफ कोर्स, तो बेसिकली डिफेंडर फ्रेंडली बनाया गया है. यहाँ पे एक बंदा यहाँ खड़ा रह सकता है, यहाँ पे एक बंदा यहाँ खड़ा रह सकता है. कोई अगर पुश करेगा उनको इन दोनों एंगल को टैकल करना पड़ेगा. एंड प्रॉब्लम यह है कि रेज का नेट सफिशिएंट नहीं होगा, एक यूटिलिटी तो पक्का यूज करना पड़ेगा सिर्फ एक एंगल के लिए, वेदर आपका ब्रिम का मॉली हो, वाइपर का मॉली हो, शोवा का डार्ट शॉक डार्ट हो, शॉक डार्ट या फिर इस एंगल में या फिर उस एंगल में. तो बेसिकली एक यूटिल तो यूज करना पड़ेगा. और आपका प्लांट साइज में ज्यादा फर्क नहीं हुआ, बस ये जब ये पीछे किया ना तो ये बक्सा भी पहले यहां था ही, यहां से पुश किया पीछे की तरफ. और साइफर का ट्रिप इसमें काम नहीं आ सकता. ये जगह अभी भी मुझे लग रहा है किल जो डोमिनेट मैप पे, यहाँ पे ट्रिप लगाना मुश्किल है क्योंकि 15 मीटर का है नहीं. अगर यहाँ पे लग सकता है तो देर इज अ चांस, बट आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट. यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रिक हो सकता है यहाँ पे ऐसे, बट जब ये रिवर जब हम लाइव होगा तब हम देख सकते हैं. तो बेसिकली ये स्ट्रेट पाथिंग नहीं होगा, ये इट विल बी लाइक मुझे इसका भी ध्यान रखना होगा, इसका भी ध्यान रखना होगा. पहले क्या था, पहले सिर्फ इसका ध्यान रखना पड़ता था, अब नहीं है. सो कमिंग टू द सी चेंज, सी में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. पहले ये ऐसे दिखता था, बहुत ही घिसा पिटा, मैं तो कहूंगा बहुत घिसा पिटा था, बट आई स्टिल लव दिस व्हाट वुड आई से सिटी प्लांट. मैंने एक बार सिटी प्लांट किया था तो ये सिंगल एंगल के लिए बहुत अच्छा है ये, बट अब नहीं, अब ये हो गया पूरा डायनामिक चेंज. आपका नया डिफॉल्ट प्लांट अब ये हो, सॉरी आपका नया डिफॉल्ट प्लांट ये होगा. चांसेस है आप वाटरफॉल्स यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से तो ऑफकोर्स नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा यहाँ से बॉक्स से. इस बॉक्सेस पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे, बट कुल मिला के ये आपका डिफॉल्ट प्लांट होगा. ये जो खूब छोटा सा खूब चाहे पिलर थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे पहले पिलर पहले ऐसे था, अब वो पिलर नहीं होगा. तो बेसिकली ये सेफ प्लांट नहीं होगा, योर ओनली सेफ प्लांट इज समवेयर अराउंड दिस एरिया. दिस इज नॉट योर सेफ प्लांट एनी मोर. ये हो सकता है फिर भी सेफ प्लांट अगर आपको लॉन्ग खेलना है तो, बट यू हैव टू कमिट टू दिस साइड. सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, योर टू डिफॉल्ट प्लांट वुड बी दिस एंड दिस फॉर सेफ फॉर लॉन्ग. रिमेंबर लॉन्ग केस में एक ओडिन महापुरुष हमारा एनजो टीम लिक्विड का IGL ओडिन लेके करेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस ऑल्सो. एक तो एपिक पेनियल का आदत नहीं है. ये बक्सा अब यहाँ पे चेंज कर दिया, तो यहाँ पे अब एक आई वुड से ऑफ एंगल होगा. पहला बक्सा ऐसे था जहाँ पे यहाँ पे छोटा सा खोपचा था, यहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता था. इफ़ यू लुक एट दी इफ आई रिमूव दिस एंड इफ आई गो बैक, तो यहाँ पे आदमी खड़ा रहता था रीटेक टाइम. जब वो यहाँ पे बिजी रहता मैं यहाँ से स्विंग करके मैं मार लेता था,
पर अब वो वैसा नहीं है, इट्स नाउ इट्स अ कंप्लीट चेंज, नाउ इट्स नॉट अ हाइडिंग स्पॉट, इट्स अ ऑफ एंगल स्पॉट। एंड वन मोर चेंज इज बॉक्स बड़ा कर दिया, तो बेसिकली अगर यहाँ पर ट्रिप होगा तो यहाँ अगर इसके पीछे भी लग सकता है तो स्पैम करके, आई थिंक दिस इज स्पैमेबल बॉक्स, स्पैम करके निकाल सकते हो। एक ट्रिप ऐसे होगा, एक ट्रिप ऐसे होगा, एक ट्रिप ऐसे होगा, यहाँ पे एक ट्रिप लग सकता तो वेरी गुड, तो यहाँ पे आके मैं उसको मार दूंगा, ये स्विंग करके मैं मार दूंगा मैं। पर बेसिकली ये है कि जो स्टेयर वाला जो पार्ट है ना, द यू वाला पार्ट है ना, यू हटा दिया गया है, अब नाउ इट्स स्ट्रेट पाथिंग। बक्सा ऐड कर दिया और यहाँ पे एक और चोक ऐड किया है। पहले ये सीधा रास्ता था, अभी चोक ऐड किया है और यहाँ पे भी एक ऑफ एंगल राइट। पता नहीं इस मैप में काफ़ी ऑफ एंगल ऐड किया है, दो बक्सा लेके चढ़ने के लिए। दीवार में कुछ चेंज नहीं हुआ, आपके साइबर ट्रिप वैसे ही काम करेंगे। अगर ये 15 मीटर के ऊपर हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आई एम नॉट हैव अ सिंगल डाउट कि ये 15 मीटर से ज़्यादा होगा, आई एम सर्टेनली श्योर। बट इट इज़ अ किलजॉय मैप, आई थिंक इट्स स्टिल अ किलजॉय मैप, बट आई थिंक किलजॉय का मेन चीज़ ये था कि मुझे अभी भी याद है जब अल्फा बोस्टर का सेटअप कुछ ऐसा था, नैनोसोम अलम्बॉट नैनोसोम और लेट्स सी इफ आई चेंज द कलर, आस्ट्रा का स्टार ग्रैवनेट और पुल वाला कॉम्बो एंड ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये राउंड गया फेनाटिक के पास, क्योंकि इस मैप में मोस्टली ओमन खेलते हैं जस्ट फॉर द वन विस, बट बोस्टर इसमें आसरा खेल लिया है एंड ही प्लेड परफेक्टली वेल, नो वंडर ही इज द ग्रेटेस्ट आईजीएल। दिमाग बंदे में दिमाग तो है एंड आई रिस्पेक्ट इट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये चेंबर का मैप हो सकता है ये, क्योंकि इस पर अच्छा खासा टीपी स्पॉट हो सकता है। मैं गोली चलाया, मिस किया, भाग गया सेफ स्पॉट, अपने बीच चला गया जल्दी, तो या सो इट्स अ गुड चेंबर मैप, मोर टूवर्ड्स द चेंबर मेटा द वे आई सी इट। बट लेट्स सी, आई थिंक किलजॉय अभी भी डोमिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि इस नए मैप के अकॉर्डिंग जो नैनोसॉम है ना और बीच में अलार्म बॉट है, तो इतना एरिया कवर कर सकता है, यहाँ शायद कवर कर सकता है, बट आई एम नॉट श्योर हाउ गुड इट विल बी। मे बी एक नया सेटअप कुछ ऐसा होगा, मे बी साइफर का ट्रिप कुछ ऐसा होगा, मे बी इस मैप में साइफर और चेंबर खेल सकते हैं एज मोर देन किलजॉय। बट हाँ, 50-50 स्टिल एग्जिस्ट। तो ये था हमारा नया वीडियो लोटस के चेंजेस, और यही है नया वीडियो। तो सुप्रभात, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, और मेरा एक ट्वीट पक्का देखना, क्योंकि मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है। लोटस के चेंजेस पे नो डाउट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैप, मैं ये खेलना चाहता हूँ मैं। बट प्रॉब्लम ये है, एसेंट को निकले हुए 3 साल हो गए, कोई चेंजेस नहीं एपिसोड 1 से, अब अभी भी मैप रोटेशन में है। लोटस को बस आए 1 साल हुए और मैप चेंज, ये कहां का साइंस है? भाई तुम रोटेशन में रखते हुए अगर तुम मैप चेंज कर रहे हो तो तुम एसेंट का भी कर सकते हो ना, बिकॉज एसेंट इज द मोस्ट स्टेलेस्ट मैप इन द प्रो प्ले एंड यू आर मेकिंग द चेंजेस इन द लोटस। लोटस में ऑलरेडी डायनेमिक्स है, तुम डायनेमिक्स में और डायनेमिक्स ऐड करो, लेकिन एसेंट में बिल्कुल डायनेमिसिटी नहीं है। हार्डली मैंने कोई डिफरेंट कॉम्प देखते हुए देखा है, एक्सेप्ट आई थिंक लाउड और पेपर एक्स तो शानदार है। हार्बर रेना, बेचारे रेना तुम्हारा तारीफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बार तारीफ कर रहा हूँ मैं, तो हार्बर रेना का कॉम्बो यूज़ किया गया है। लाउट ने वाइपर और स्काई का यूज़ किया है, तो मुझे वाइपर मुझे एसेंट में ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, बट आई वुड सी सम
गेको, आई वुड सी सम साइफर, मुझे नहीं देखना सोवा जेट ओमेन केओ और किल जॉय. आई मीन यू कैन बी इन द रोटेशन एंड स्टिल मेक सम चेंजेस. इवन कुछ लोग अब बोल भी रहे इसको चेंजेस करने को. वेल, गुड नाइट एवरीवन, मैं अब चलता हूँ मैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर. आई एम नॉट ए कम्प्लीट एनालिटिकल पर्सन, दे आर मोर बेटर देन माइंड, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू पुट ऑल माई इंसाइट्स ओवर हेयर. एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. शुभ रात्रि एंड गुड नाइट.